हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पलक और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड मंचूरियन। आप सोच रहे होंगे मंचूरियन बनाना काफी डिफिकल्ट है, पर नहीं, आप इसे आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। ब्रेड मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम ब्रेड। आप यहाँ कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं, अपने चॉइस का, व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड। यहाँ हम फिलहाल व्हाइट ब्रेड यूज कर रहे हैं। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। हमारे फ्रेश ब्रेड क्रम्स ग्राइंड हो चुके हैं, अब हम इसे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ग्रेटेड कैरेट, 1 कप ग्रेटेड कैबेज, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, नमक आपके स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक प्रॉपर डो रेडी करने के लिए अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। हमने इसी तरह से सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। हमने यहाँ ऑलरेडी पैन में ऑयल हीट करके रखा है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। हमारे मंचूरियन बॉल्स रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब देखिए, ये इस तरह से इतना गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। मंचूरियन ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे पैन में ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक और ग्रीन चिली। अब इसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप स्प्रिंग अनियंस, 1 कप प्याज, 1 कप ग्रीन शिमला मिर्च। इसको अच्छे से सॉटे कर लीजिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस। अब इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब हम बनाएंगे कॉर्नफ्लावर बैटर। यहाँ हमने लगभग 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। अब इस बात का ध्यान रखें कि बैटर में लंप्स नहीं होना चाहिए। अब इसको हम अपनी ग्रेवी में डालेंगे। हमारी मंचूरियन ग्रेवी रेडी हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे अपने मंचूरियन बॉल्स। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा ब्रेड मंचूरियन रेडी हो चुका है, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। मंचूरियन रेडी हो चुका है। आप ऐसी और इंटरेस्टिंग और इजी रेसिपीज के लिए हमें लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।